हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही इजी और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी, स्नैक रेसिपी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट करके हमें जरूर बताते रहिए कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस। ये मैंने लिया है एक कटोरी बेसन, ये बेसन है और इसमें मैं अभी मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। आप टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए, थोड़ा सा मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स जो आप पसंद करें। मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। कलर के लिए थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर मिक्स कर रही हूँ। इसके अलावा ये है अमचूर, तो अमचूर भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया और मैं थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है सारी चीजें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसका एक बैटर बनाएंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। ये हमारा बेसन का ये बैटर रेडी है। ये देखिए, ये इतना ही पतला हमें चाहिए क्योंकि ये अभी जब मैं इसे पकाऊंगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये घोल हमारा रेडी है। अभी मैं पैन चढ़ा रही हूँ एक गैस पे और पैन को मैंने नीचे गैस ऑन कर दी। पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल डाल दिया है, ज्यादा नहीं डाला। और अभी इसमें ये जो मेरा घोल है बेसन का, ये मैं डाल दे रही हूँ और डालने के साथ ही इसे चलाना स्टार्ट कर दूंगी। ये बहुत तेजी से गाढ़ा होगा और इसको मुझे ऐसे लगातार चलाते रहना है जब तक ये एक डोसा बन न जाए। ये देखिए, ये गाढ़ा होने लगा है, इसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये गाढ़ा होके ये डोसा बन गया है हमारा। तो इसे अब मैं एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लूंगी। ये बेसन के डो को हमने निकाल लिया है बोल में और ये थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, इसलिए थोड़ा फैला दिया, थोड़ा ठंडा हो जाए। ये हल्का ठंडा हो गया है, हाथ से छूने लायक हो गया है। तो अभी मैं ये मैंने इसमें दो बॉयल आलू रख रखे हैं, तो इसको मैं इसमें ग्रेट कर लूंगी। कद्दूकस इसलिए करेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए, आलू महीन हो जाए, इसमें कोई गुठलियां ना रहे। अगर आप बॉयल्ड आलू नहीं डालना चाहते हैं, इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप कच्चे आलू भी ऐसे कद्दूकस कर सकते हैं, उसको पील करके, बट उसका थोड़ा सा पानी आपको निकालना पड़ेगा। उसको कद्दूकस करके उसको पानी निकाल के आप उसमें डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ये आलू हमने इसमें बॉयल्ड आलू कद्दूकस कर लिए, तो अब इसको मिक्स करके हम अच्छा सा इसका फाइन डो रेडी करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है आलू और बेसन, और ये देखिए बहुत अच्छा डो रेडी हो गया है। और इसमें मैं फाइनली ये थोड़ा सा मिंट पाउडर है, सूखा पुदीना, इसका पाउडर बनाया है। उससे बहुत अच्छी एक फ्लेवर आता है, स्मेल आती है, वो भी मैंने मिक्स कर दिया है। और अब इस डो को, अब ये मैंने एक चकला ले लिया, आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं, थाली भी ले सकते हैं। और इसका देखिए एक ये एक बॉल बना ली हमने डो की, और इसको इसमें हमें ऐसे फैलाना है चकले में, ये ऐसे करके फैलाएंगे। ये देखिए, हाथ से ऐसे करके हमने थोड़ा बराबर कर लिया
और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो इसको हम किनारे से थोड़ा से कट करके निकाल देंगे, जिससे ये अच्छा सा हमारे स्क्वायर शेप में आ जाए। इसको हम दोबारा से यूज कर लेंगे। और अब इसके आप मन चाहे शेप काट सकते हैं, जो भी मर्जी आपकी, आप स्क्वायर में, रेक्टेंगल। मैं इसे थोड़े ऐसे लंबे में काट रही हूँ। ये देखिए, ये हमने ऐसे शेप काट लिए हैं, इसको बीच से भी कट कर लिया है और ये सारा रख लिया है। ये कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और ये ऑयल गरम हो गया है, तो अब मैं इसमें स्नैक्स डाल देंगे। हल्के से ये गोल्डन होने तक इन्हें सेक लेंगे। ये देखिए, हल्के लाल होने लगे हैं, और इन्हें उलट पलट लेंगे, और जो अभी नहीं हुए हैं उनको भी हम पलट देंगे और होने देंगे। ये हमारे गोल्डन हो गए हैं, और इनको देखिए, ये गोल्डन ब्राउन से हो रहे हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, हमारे एकदम बढ़िया क्रिस्पी करारे और चटपटे ये स्नैक्स रेडी हैं। मैंने सॉस के साथ सर्व किया है, आप ग्रीन चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही यम्मी बने हैं। तो प्लीज आप जरूर ट्राई करिए एक बार इसे, और हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।